أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صلى الله عليه محمد آپ حضرات بلند آواز سے سلوات کے ذریعے سے استقبال کریں ہمارے درمیان استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین الحاج آقائے سید احمد العابدین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات میں آپ کے سامنے بس مختصر انداز سے معصومین علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اخلاق کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگرچہ اس موضوع کے لیے کسی صاحب اخلاق شخص کی ضرورت تھی مگر برادر محترم مولانا زکی صاحب کا انتخاب تھا دیکھیں جس طرح سے مولانا جوہر صاحب نے فرمایا کہ وضو غسل تیمم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں
मगर कभी कभी तवज्जो दिलाना पड़ती है कि हमें कैसे वज़ू करना चाहिए या जो कर रहे हैं आया वो सही है या सही नहीं है। जानते तो हैं, इसी तरह अखलाक भी जानते हैं, मगर ये फ़र्क है कि अखलाक जानने की चीज़ नहीं है, अखलाक सीख के अपने अंदर ढालने की चीज़ है। किसी मासूम की ज़िंदगी में आपने ये नहीं देखा होगा कि अखलाक की तालीम दी हो वो अखलाक उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़ात में न पाया जाता। हम जो अखलाक समझते हैं शायद वो ये समझते हैं कि अगर किसी से मुलाकात हो तो मुस्कुरा के मिल लेना, सलाम कर लेना, मुसाफिया कर लेना, और ज़्यादा अगर अखलाक का मुजाहरा करना है तो शायद उसको घर में बुला के चाय पिला देना। मगर ये सब वो अखलाक है कि जो अहले बैत की तालीम न रखने वाला भी रखता है, वो भी मिलना अच्छा जानता है, वो भी आप मुसाफिया करना जानता है, वो भी नाश्ता कराना जानता है, लेकिन चाय पिला देना अखलाक नहीं है, मुस्कुरा के मिल लेना अखलाक नहीं है, अगर सलाम कर लेना अखलाक है तो फिर इसे हर वक्त हर जगह और हर सूरत में अखलाक होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई सलाम करता है और घूम के आके दोबारा आपको फिर सलाम करे, तीसरी मरतबा फिर आपको आके सलाम करे, चौथी मरतबा फिर आपको सलाम करे और सलाम करता रहे, तो आपकी राय उसके बारे में बदल जाएगी। चाय पिलाना, अगर कोई चाय पिला देने को अखलाक समझता है तो फिर जितनी बार चाय पिलाई जाए अखलाक है। लेकिन हर बार या बार बार चाय पिला देना भी अखलाक नहीं कहा जाता। इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों से हट के किसी चीज़ का और किसी हकीकत का नाम है। मैं क्या अर्ज़ करूँ, अगर किसी मोमिन के दिल को खुश कर लिया जाए तो इससे बढ़ के अखलाक नहीं हो सकता। मोमिन के दिल को खुश करना, पड़ोसी के दिल को खुश करना, भाई के दिल को खुश रखना, रिश्तेदारों को राज़ी रखना, दोस्तों को राज़ी रखना, नादार फ़कीर लोगों का ख्याल रखना, हमारी ज़ात से किसी भी मोमिन को तकलीफ़ न पहुँचे चाहे वो हमारा हमसाया हो, और ये हमसाया खां मेरा रिश्तेदार हो या रिश्तेदार न हो, ये हमसाया खा रिश्तेदार का मुसलमान हो या मुसलमान न हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तालीमात पर अमल करने वाले की ज़िंदगी वो ज़िंदगी होती है जिसके अमल से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मैंने आय करीमा की तलावत की, खुदा फरमाता है वरिदवान मिन अल्लाह अकबर, खुदा इससे बढ़ के कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, रजायत परवरदगार खुशनूदी परवरदगार अगर हासिल हो जाए
तो खुद खुदा ऐलान फरमाता है इससे बढ़ के कोई भी कामयाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदा की रजा से बढ़ के किसी की रजा नहीं हो सकती। अगर मैंने अर्ज किया मोमिन को राजी रखना, खुश रखना, हमसाये को खुश रखना, रिश्तेदारों को, इन तमाम लोगों को खुश रखना खुदा वंदे आलम की खुशनूदी की खातिर, रजाए परवरदगार की खातिर रिश्तेदारों को खुश रखना, हमसाये को खुश रखना, दोस्तों को राजी रखना और खुदा से राजी होना, अल्लाह की रजा हासिल करने वाला फिर दुनिया में किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए कि रजाए खुदा से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जब रजाए खुदा से बढ़ के कोई चीज़ दुनिया में नहीं है तो फिर दुनिया की कौन सी चीज़ चाहिए? मगर मसला यह है कि इंसान सबसे राजी हो जाता है और जल्दी राजी हो जाता है, नहीं राजी होता तो खुदा से, खुदा से राजी जल्दी नहीं होता है। आप देख लीजिए, किसी ने खुश कर दिया हम उससे राजी हो गए, किसी ने कुछ अता कर दिया हम उससे खुश हो गए, किसी ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया हम खुश हो गए, किसी ने हमें कहीं नौकरी दे दी हम उससे खुश हो गए, हमेशा उस शुक्रिया अदा करते रहते हैं और करना चाहिए, किसी ने हमारी मदद कर दी हम उससे खुश हो गए, उससे राजी हो गए। वाकई उसने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अगर खुदा ना खास्ता उसके और हमारे दरमियान कोई रंजिश भी पाई जाती थी तो उस रंजिश को भूल जाते हैं, उस एहसान और नेकी के मुकाबले में। लेकिन बताइए, खुदा वंदे आलम ने हमको दुनिया में आने से पहले, जब हम शिका में मादर में थे उस वक्त से दुनिया में आए, छोटे थे बड़े हुए, और अब तक अल्लाह ने हमारी हर ज़रूरत की चीज़ों को दिया और दे रहा है और देता रहेगा। तो बताइए, इस बंदे को बंदों से ज़्यादा खुदा से राज़ी रहना चाहिए या नहीं? अल्लाह ताला अपने बंदे को जो कुछ दे रहा है और दे रहा है और देता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इस बंदे को दे नहीं सकती है। कितनी नेमतें हैं जो खुदा हमें दे रहा है, हमारे पास है। हम जब बगैर शादीशुदा थे, नहीं शादी किया, उस वक्त हमारी हालत जो थी हम जानते थे, हमें फिक्र थी कि जब हम शादी करके बीवी लाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, बच्चे होंगे क्या खिलाएंगे। मगर अल्लाह ने जिस तरीके से हमको उस वक्त याद किया, उसके बाद भी याद करता रहा, बच्चे पैदा हुए, घर दिया, रिस्क दिया, माल दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, हादसात से बचाए रखा, तमाम तरह के दुनिया के हादसात से महफूज रखा। उसने जो नेमतें हमें दी थी हमारे बदन में, जिस्म में, उसको भी न जाने कितने सालों तक अगर हमने खुद नहीं खराब किया तो वो खुद खराब न हुई, वो चीज़ें महफूज रही, हमको उसका ख्याल भी नहीं रखना पड़ा। तो जो अल्लाह इतना दे रहा है, खुदा इतना नवाज रहा है, तो क्या बताइए, अगर हम गैरों से मिल करके उससे खुशी का इजहार करते हैं तो इन तमाम नेमतों के मिलने का एहसास करके आया, दो रकअत सजदे शुक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक के दुनिया में जो कुछ भी उसे मिल रहा है उस पर और जो नहीं मिल रहा है उस पर, दोनों पर, यानी दोनों सूरत में, दुनिया की कोई चीज उसे मिले या ना मिले, दोनों सूरत में अल्लाह से राजी न हो, उस वक्त तक मोमिन मोमिन नहीं हो सकता है।
यार इसका मतलब है हमें हर हालत में खुदा वंद आलम से राजी रहना चाहिए। हम कौन होते हैं कि हम फैसला करें अपनी जिंदगी में कि जब खुदा हमें घर दे दे तब हम राजी हों, या खुदा हमें, हम औलाद नहीं रखते, साहिब फर्जंद नहीं है, जब खुदा साहिब फर्जंद बना देगा तब राजी होंगे। अल्लाह हमें हर हादसे से महफूज रखेगा तब अल्लाह से राजी होंगे। ये हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? क्या जो अल्लाह हमें दे रहा है हम समझ रहे थे कि ये हमारे लिए जरूरी है और अल्लाह को देना चाहिए? कितनी ऐसी नेमतें जिनको अल्लाह ने हमें अता की हम नहीं जानते थे चीजें जरूरी हैं, मगर अल्लाह ने हमें फराहम की, हमें अता की। कितने ऐसे हादसात हैं जिनसे अल्लाह ने हमें महफूज रखा, हम नहीं जानते थे कि इस हादसे से हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो अल्लाह ताला खुद अपने बंदों के ऊपर ऐसी अनायत करता रहता है कि जिसकी बिना पर बंदा हमेशा शुक्रगुजार बंदा बना हुआ। हम समझते हैं कि इस अमल में खुदा की रजा है, ये ज्यादा कर लेंगे ज्यादा खुशनुदी में नहीं, हर हाल में परवरदिगार आलम से राजी रहना, खुशहाल रहना। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, शख्स जनाब जाबिर आए, अब जानते हैं आपकी जनाब जाबिर वो सहाबी हैं कि जिन्होंने रिसालत माफ का जमाना देखा, जनाब सिद्दीक ताहरा फातिमा जहरा सलाम अल्लाह के अहद, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, आज सात मासूम का ज़माना दर किया, सात मासूम का ज़माना। और जब ज़माना दर के इसका मतलब है कि मासूम के महजर से हासिल भी किया, फैज़ भी लिया, तो कितने तरबियत याफ्ता हो चुके होंगे सात मासूम का ज़माना। हम में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अगर किसी मकतब में पाँच साल मुकम्मल कर लेते हैं तो समझते हैं कि बहुत बड़ी तालीम और बहुत ही अच्छी तरबियत हासिल कर ली होगी, और अगर फिर से पाँच साल गुजार लिया तो आप बताइए कितना बड़ा अपने को दीदार समझता है। और अगर कई साल पढ़ता रहा और पढ़ता रहा और हासिल करता रहा तो बताए इसको क्या अगर हुआ। जनाब जाबिर को भी ये समझना चाहिए और समझ भी रहे थे। आए पांचवें इमाम की खिदमत में, इमाम ने एक सवाल किया, क्या जाबिर कैफ असबा, तुमने कैसे सुख गुजारी, किस हाल में गुजारी? तो जनाब जाबिर क्या कहते हैं, गौर से सुने जरा। जनाब जाबिर कहते हैं कि मौला अब हम इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि अब दुनिया में अगर हमें जिंदा न रखे खुदा तो हम समझते हैं कि अल्लाह के नज़दीक हमारा अज्र इतना ज़्यादा है कि हम दुनिया की ज़िंदगी पसंद नहीं करते, मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं। मालूम है कि मोमिन को अल्लाह के नज़दीक जो मकाम दर्जा हासिल है, आप सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, तो जो मकाम एक मोमिन की और दर्जा एक मोमिन का है अल्लाह के नज़दीक, इसलिए मैं मौत को तरजीह देता हूँ, मुकदम करता हूँ। अच्छा मौला मैं जानता हूँ कि जब मोमिन को दुनिया में कोई बीमारी मिलती है, किसी मर्ज में भी गिरफ्तार होता है, तो चूंकि जानते हैं कि बीमारी में
अज्र है, सवाब है, लिहाजा हम सेहतमंदी पर बीमारी को तरजीह देते हैं। अगर हमको बीमार रखे, इसलिए कि सेहतमंदी तो इंसान ठीक है, लेकिन बीमार होता है, छींक आती है, बुखार आता है, बीमार होता है, अल्लाह के नज़दीक मोमिन का दर्जा तो शिकायत नहीं है, अल्लाह के नज़दीक चूँकि उसका मकाम ज़्यादा है, लिहाजा हम बीमारी को सेहतमंदी पर तरजीह देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि फ़क्र, गुरबत, नादारी, मुफलिसी की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में आजमाइश इम्तिहान खुदा के नज़दीक अजीम है कामयाबी के साथ, तो मैं मालदारी पर, अमीरी पर, दौलतमंदी पर गुरबत को तरजीह देता हूँ, मुफलिसी को तरजीह देता हूँ। अब आप बताइए कि जनाब जाबिर ने जब ये बातें कहीं तो आप भी समझ रहे हैं कि यकीनन बड़ी अच्छी बातें हैं, और इमाम और जाबिर भी समझ रहे थे कि अब अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए उधर से, आप थोड़ा सा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आ जाइए, एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले तो जनाब जाबिर ने सारी बातें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, तो अब जनाब जाबिर को तवक्को थी कि इमाम तारीफ़ करेंगे, तुमने इतना ज़माना मासूम का देखा और यकीनन फिक्र बुलंद हो चुकी है, तरबियत में मकाम हासिल कर लिया, तो जनाब जाबिर समझ रहे थे कि इमाम तारीफ करेंगे, लेकिन अजीब जनाब जाबिर हैरान हो गए। ये सारी बातें अर्ज की तो इमाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर तुम ऐसे हो लेकिन हम आले मोहम्मद ऐसे नहीं हैं। तुम जानते हो फकीरी में, बीमारी में अल्लाह के नज़दीक जो अज्र है आप उसे तरजीह देते हो, लेकिन तुमने इन दोनों में से एक का इंतखाब किया कि अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अज्र वाला, मगर हम आले मोहम्मद ऐसे नहीं हैं। मौला क्या मतलब, गलत कहा हमने? कहे जाबिर हम आले मोहम्मद ऐसे हैं कि खुदा जिस हाल में रखते हैं हम उसी को बेहतर समझते हैं कि अल्लाह हमारे लिए इसे देते हैं। जो हालत अल्लाह हमारे लिए करार दे हम उसी हालत को बेहतर समझते हैं। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि बीमारी में अच्छा है, सेहतमंदी में अच्छा है? अल्लाह ने जो हमारे लिए रखा है, हर हाल में खुदा से राजी रहना, और अल्लाह ने जो रिज्क हमारे लिए मुअय्यन कर दिया, हमें जो कुछ मिलना हम इससे राजी रहना, यही सबसे बड़ी चीज़ है अज़ीज़ाने गिरामी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, ईमानी ज़िंदगी में ख़ास तौर से ये समझना चाहिए कि वाकई अल्लाह ने हमसे क्या मुतालबा किया, अल्लाह क्या चाहता है। अगर इतनी बात हम न समझ सकें कि खुदा हमसे क्या चाहता है तो फिर हमारे ईमान का तकाज़ा पूरा नहीं होगा। बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह हम सब को ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे जिसमें खुदा की रज़ा पाई जाती है। हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, अपने उस काम को एहसास करके अंजाम देना चाहिए। ये दो मिसरा है, बहुत छोटा छोटा, हम लोग थे यानी नजफी हाउस में जब हमारे प्रोफेसर साहब मुजाहिद हुसैन हुसैनी साहब जब आते थे उर्दू पढ़ाने के लिए वैसे दुनिया में, तो वहाँ क़याम होता था तो हम लोग उनके साथ उठते बैठते थे, तो जो शेर सुनाते थे तो एक दो शेर जो महफूज रह गया, तो मुनासिबत से इसको अर्ज करूँ कि वो कहा करते थे, अब वो किसका है ये मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है बच्चे जो शायर हैं उन्हें एहसास हो और मालूम हो के
कहते हैं जिंदगी में बड़ा जरूरी है, जिंदगी में बड़ा जरूरी है ये समझना कि क्या जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।